बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान और आज आप सबको ज़ियारत करवाने लगा हूँ हरम बाबुल हवाइज मौला अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की। आज सुबह का टाइम 28 अक्टूबर बरोज़ पीर का दिन का आगाज़ है। आप तमाम मोमिनीन जो हैं ये ज़ियारत अभी अपनी सुबह की देखेंगे और इस टाइम यहाँ पर नमाज फजर का वक्त होने वाला है। तमाम मोमिन अपना नाम लीजिए, अपने वालदैन बहन भाई बच्चों का नाम लीजिए और ये सारे मंजर देखते हुए बाबुल हवाइज मौला अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम मुबारक के अपने लिए अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी भी दुआ है कि आप तमाम मोमिन जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जब तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जितने भी मोमिन सलाम पेश कर रहे हैं मेरा मौला उन सबका सलाम कबूल मंजूर फरमाए और जितने भी मोमिन इस दुनिया में जहाँ कहीं से भी जो भी हाजात मौला से बयान कर रहे हैं, मौला शहजादी सकीना का सदका और बीबी उमुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का सदका उन तमाम मोमिन की तमाम तर मांगी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएं। ये सारा सैन मुबारक का मंजर है, एक ये है और ये दूसरी तरफ जानेब ये है। अयाम अज़ा बीबी के हवाले से हर साल जो कि मौला अब्बास के हरम में भी मंजर कशी की जाती है उसके लिए भी ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है वो देर बीबी फातिमा और जो कुछ चीज़ें उनसे मंसूब होती हैं वो रखी जाती हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जब ये कंप्लीट होगा। ये वो जगह है सारी, हर साल यहाँ पर ये बनाया जाता है। इसी तरह बैनुल हरमैन में भी मौके लगना शुरू हो चुके हैं, मुख्तलिफ मंजर कशी की जाती है जिनमें ताबूत होता है और जिनमें मुख्तलिफ किस्म की कोई ना कोई शबी तशबी दी जाती है चीज़ों से, और इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगा ताकि आप तमाम मोमिनीन को ये भी करबला की सारी अपडेट्स मिलती रहें। साथ साथ अभी मैं आपको ज़री मुबारक कब्र मुबारक मौला अब्बास पे भी लेके चलता हूँ, आप उसकी भी ज़ियारत कीजिएगा। और ये सामने लगी मशक बीबी सकीना है, बहुत कदीम मशक बीबी सकीना है ये इस हरम में, और ये सारा उसके सामने सैन मुबारक है। इस साल मुहर्रम अरबईन पर लाखों आप में से खुश नसीब मोमिनीन जिन्होंने यहाँ पर इस सैन मुबारक में पुरसा भी किया, मेरा मौला आप सबको हमेशा बार बार ये नसीब करे, और जो मोमिनीन नहीं आ सके अब तक मेरा मौला उन सबकी भी गायबाना मदद अता फरमाए और सबको ये ज़्यारत नसीब हो। और सब मोमिनीन जो हैं बाबुल हवाइज मौला हुसैन और हर एक मकाम पर जो है मौला को पुरसा दे सके इलाया में। मैं आपको कब्र मुबारक की जानिब लेके चलता हूँ। तमाम मोमिनीन जो हैं अब अपना नाम लें, अपने वालदैन बहन भाई बच्चों का नाम लें, सलाम भी पेश कीजिए और दुआ भी कीजिए। बिल्कुल अब सामने ये कब्र मुबारक मौला अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकायदा अपना नाम लेकर, अपने वालदैन बहन भाई बच्चों का नाम लेकर सलाम पेश कीजिए। मेरी दुआ है मेरा मौला अब्बास आप सबका सलाम, आप सबकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मैं भी दुआगो हूँ उन तमाम मोमिनीन के लिए जो भी मोमिनीन मेरे साथ इस टाइम लाइव इस वीडियो में शामिल होंगे और अपने लिए अपने प्यारों के लिए दुआ कर रहे होंगे। मैं भी दुआ करता हूँ इस दुनिया में बसने वाले तमाम मोमिनीन के हक़ में कि मेरा मौला अब्बास शहजादी सकीना का सदका बीबी उम्मुल बनीन का सदका मेरा मौला जितने भी मोमिनीन परेशान हैं उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, जितने भी मोमिनीन मुश्किलात उन सबकी मुश्किलात दूर फरमाए, जो अपने नसीब के लिए दुआएं मांग रहे हैं मेरा मौला उन सबके नसीब अच्छे फरमाए, जितने भी मोमिनीन इस दुनिया में जहाँ कहीं भी बे औलाद हैं मौला उन सबको औलाद नसीब फरमाए, जितने भी मोमिनीन एग्ज़ाम देने वाले हैं मेरा मौला उन सबको कामयाबी अता फरमाए, सबके इल्म में इजाफा फरमाए, जितने भी मोमिनीन बेरोज़गार हैं मेरा मौला उन सबको रोज़गार और उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, जितने भी मोमिनीन इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मेरे मौला बीमार हाल हैं सबको बीमार करबला का सदका सेहतियाबी अता फरमाए। इसके अलावा हमारे जितने भी मरूमीन हैं शोदा हैं मेरा मौला सबके दर्जात बुलंद अता फरमाए। मेरा मौला इस दुनिया में बसने वाले तमाम मोमिनीन को कोई गम ना होने दें सिवाय गमे हुसैन के। मेरा मौला इस दुनिया में बसने वाले तमाम मोमिनीन को हमेशा अपने जोमान में रखें। मेरा मौला इस दुनिया में बसने वाले तमाम मोमिनीन को कभी किसी दर का मोहताज ना होने दें सिवाय अपने दर के। इलाया आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ हूँ दुआओं में हर एक मकाम पर। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। मेरा मौला आप सबको इस साल आपकी फैमिली समेत ज़मीन करबला का जवार बनाए। इलाया आमीन। तो ये आज के मंजर मौला अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के रोज़े के। मेरा सलाम हो इन तमाम उठते कदमों पर जो कि कब्र मुबारक मौला अब्बास की ज़ियारत की जानिब जा रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तमाम मोमिनीन भी ज़मीन करबला पर होंगे और इसी तरह से अपने कदम उठाते हुए
मौला की सर मुबारक की ज़्यारत भी करेंगे और अपने लिए अपने प्यारों के लिए दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट अपडेट तक आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम। मदद।